बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, जिसको मैं अब तो ये कह सकता हूँ कि मेरा गृह जिला है, तो इस जिले में पार्टी के कार्यालय का आज कार्यक्रम हुआ है, भूमि पूजन का, और एक प्रकार से शिलान्यास का ही है। इसके जल्दी तुरंत बाद कार्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा और 6 महीने में ये कार्यालय बनकर तैयार होगा। कार्यकर्ताओं के को पार्टी के काम को और सुदृढ़ करने के लिए एक अच्छा अवसर कार्यालय का निर्माण होता है। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर लगभग 20 कार्यालय ऐसे हैं जिनका या तो निर्माण हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, निर्माणाधीन है, और केवल 2 स्थान बचे हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या स्कूल बंद किए जाएंगे? क्योंकि रेवाड़ी में कल मामला सामने आया, बहुत ही एक चिंताजनक बात है। और निश्चित रूप से, चूँकि बहुत समय से ये मांग दोनों तरफ की चल रही थी, कुछ लोगों का मत था कि स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि नहीं अभी नहीं खोलने चाहिए, आखिर कोई एक निर्णय करना था। बहुत समय हो गया था, अप्रैल से लेकर के और लगातार 7 महीने हो गया, बल्कि 8वां महीना चल रहा है, तो इतने लंबे समय तक पढ़ाई ना हो बच्चों की, इसमें भी आखिर एक सोचने का विषय था। लेकिन चूँकि अब ये बच्चों में स्कूलों में ये प्रवेश कर गया कोरोना का मामला, तो निश्चित रूप से हम इसका पुनर्विचार जरूर करेंगे। MBBS का जहाँ तक विषय है, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। देखिए, बहुत प्रदेशों ने इस प्रकार के बॉन्ड की व्यवस्था की हुई है। हमारा उद्देश्य अल्टीमेटली ये है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। अभी तक क्या होता है कि डॉक्टर MBBS बनने के बाद, MD करने के बाद, वो हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, प्राइवेट नौकरियों में तो सामान्यतः चले जाते हैं। हमने उसमें कहा कि जो प्राइवेट नौकरी में जाएगा उसी को फीस देनी पड़ेगी, जो सरकारी नौकरी करेगा उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये केवल मात्र बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो आपको अपने पास से पैसे भरने हैं, अन्यथा ये सरकार का पैसा है। हम जो बैंक से उनको लोन करा के बॉन्ड लिया है, उसको अलग एक ट्रस्ट में रखते हैं, उसी ट्रस्ट में से वो पैसा वापस बैंक में। सरकारी सबको तो नहीं मिलती, लेकिन नौकरी सरकारी सबको। हमने प्रबंध किया है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आएंगे, हम उनको सबको काम लेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, अन्यथा कोई और तरीका निकालेंगे। जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज से पढ़ेगा, इस वर्ष से, उनको सबको नौकरी देने का प्रबंध करेंगे। और अगर मानो किसी को नौकरी भी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि उसके जो ए श्रेणी के कॉलेज हैं, उनका 90% वो हम सरकार वहन करेगी, जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20% का उसका भी 75% हम वहन करेंगे, इसलिए कोई उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, नौकरी देने की स्थिति हमारी है। आज हम सिर्फ सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर मिला करके 13 से 14 हज़ार हैं। आज भी इस समय भी 13 हज़ार लोगों की हमको आवश्यकता है। हम उसी हिसाब से डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हम 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर दे सकें। इसकी योजना